हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक गगरानी आपका मेरे और आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमने आपके साथ एक खुशखबरी शेयर करी थी कि जरोदा का ऑनलाइन पार्टनर आईडी हमको मिल गया, जो कि है ZMPGSD। दोस्तों, इस आईडी के थ्रू अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करते हैं तो दोस्तों मैं गारंटेड आपके साथ शेयरिंग और केयरिंग वाला काम करने वाला हूं। दोस्तों, इससे क्या होगा, इससे हम कुछ बेनिफिट आप करेंगे, कुछ बेनिफिट मैं करूंगा, और दोस्तों जो कॉल्स है वो मैं आपको देता हूं, उससे आप और ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। बट आपको कुछ तो करना पड़ेगा दोस्तों, अदरवाइज फिर आप इसका लाभ नहीं भी ले पाएंगे दोस्तों। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लगता है कि दीपक के साथ अकाउंट ओपन कराने और हमारा फ़ायदा हो सके तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर विजिट किएगा। उसका नाम है टेक्निकल प्रॉफिट और जय महाकाल की, जहाँ पर हम हमारे साथ जुड़े हुए बंदे रोज के क्रूड में 1000 से 1500 रुपये आराम से बना लेते हैं। और मैं कहूँ तो आज ही हमने कॉपर में कम से कम 2500 से 3000 रुपये के आसपास बुक किया है। तो जो उसका जो स्क्रीनशॉट मैं अपने इस चैनल पे जरूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखिए, अब ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से है और मैंने कहा कि जैसे कि शेयरिंग और केयरिंग, तो आप मेरे साथ हेल्प कीजिए, मैं आपके साथ हेल्प करूँगा दोस्तों। और ये जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में कुछ बहुत ही अच्छी जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। वो क्या है, हम जरा उसको जानकारी समझ लेते दोस्तों। अब उससे पहले कि मैं देखता हूँ कि दोस्तों मैंने कुछ आपको एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन का एक फॉर्मूला है, वो अगर आप समझ जाएंगे आप किसी भी मैं कहता हूँ कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे। बट उसके लिए थोड़ा सा आपको मेरे को बियर करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपका 5 मिनट लूँगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लूँगा। और देखिए, अब हमने एक बात की थी 13 तारीख के दिन, आपने शायद मेरी वीडियो पर गौर किया होगा, तो 13 तारीख के दिन हमने बात की थी कि भाई अब ये क्रूड इस लेवल पे है और यहाँ से घूम सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन की तरह काम करने वाला। तो आप शायद देखेंगे, अब आज देखो आप क्रूड का भाव कितना है दोस्तों। क्रूड का भाव ऑलमोस्ट उस जगह से कम अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर उस दिन ये भाव था, उस दिन के भाव से जब ये चल रहा था तब तो ये 2930 के आसपास चल रहा था, बट क्लोजिंग होते होते इसका भाव ये था। बट आज देखो इसका भाव, अभी यहाँ पर रेसिस्टेंस खा सकता है दोस्तों और वापस घूम सकता है। बट रेसिस्टेंस अगर इसने तोड़ दिया तो देन ये कहाँ जाएगा, अब आप समझ सकते हो कि इससे आपकी महंगाई में भी मार पड़ेगी, आपके पेट्रोल दाम भी बढ़ जाएंगे। बट ये इसको रेसिस्टेंस को क्रॉस करना जरूरी है दोस्तों। जब ये भाव था 3925 के आसपास और ये इस दिन की कैंडल थी 3925 से, आज ये देखिए 4200, तो 3925 माइनस 3920 करें तो ये 8% के हिसाब से होता, 8% कम नहीं होता दोस्तों। और बल्कि आपके इन्वेस्टमेंट पे 8% ना अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अगर हम सिर्फ मिनी लॉट की बात करें तो 4220 माइनस 328 इंटू 10 की बात करें तो 3000 रुपये का प्रॉफिट आपको आराम से देगा। अब हम इसी तरह बात करेंगे निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी पर मैंने एजुकेशनल ट्रेड आपको जरूर लिखा था, वो तो एक हमारा पहले दिन तो पास हो ही गया था ये दिन पर, देन अगले दिन उसका रिजल्ट देगा। अब देखिए, अब उसने इस लो को ब्रेक किया था और देखिए फिर उसने यहाँ पर एक तरीके से सपोर्ट ले लिया। आप समझिए कि अब यहाँ पर भी उसने एक सपोर्ट लेने की कहानी शुरू कर दी है कि आप देखिए कि कहते ना लोग कि आप बहुत सारे लोग बोलते हैं आप हमें सर वीडियो क्या बताते हो, आप हमें पास क्या बताते हो, फ्यूचर बताओ, लाइव बताओ। देखो, लाइव कुछ नहीं होता, स्टॉक मार्केट में हमेशा पास्ट हिस्ट्री रिपीट होती है। देखो, अब आप यहाँ देखो कि यहाँ पर पहले ऊपर गया, देन अगर गया, देन यहाँ से जब गया था तब ये वापस आया, वापस से अगेन इसने सपोर्ट मार के ऊपर ले लिया। मतलब इसने थोड़े दिन पहले के जो लेवल थे ये देखिए आप कि 12-6 मतलब छठे महीने के जो लेवल थे उसको अब जाके इसने ब्रेक करना चाहा, बट ये ब्रेक नहीं कर पाया। देन अगेन ये उसके अपर साइड के जो रेसिस्टेंस था उसको क्रॉस करके आज के डे में इसने क्लोजिंग तो दे दी। अब वही कहना चाह रहा हूँ मैं कि अब ये कहाँ पर जा सकता है। देन अगर हम बात करें तो फिर अगर हमको एक मीड में एक लाइन ब्रेक करनी पड़ेगी, जो कि होगी आपकी ये इस तरह की कि 10,252 क्रॉस करे, फिर उसके बाद में 10,300 के आसपास आ सकता है। बट वहां पर तो ये हुआ था कि एक ही दिन में इसने इतने सारे रेसिस्टेंस क्रॉस कर लिए थे दोस्तों। चलिए उसी तरीके से बात करेंगे बैंक निफ्टी भी बेहतरीन सपोर्ट ले लिया। आप देखिए 1, 2, 3, 4 इतने दिन से सपोर्ट ले लिया और वापस से घूम गया। कल ही ये 24,182 के लो से आज इसने करीबन 500 पॉइंट ऊपर वापस से जाके बंद हुआ। चलिए अब मैं जो स्ट्रेटजी आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ दोस्तों, वो क्या है, किस प्रकार से काम करती है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि निफ्टी क्या चल रहा है। निफ्टी जो है, हम दो तरह की बात करें, एक निफ्टी पुट ऑप्शन और एक कॉल ऑप्शन। देखिए वो मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, उसके लिए पीछे भी एक लॉजिक है, जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। क्योंकि इससे क्या होगा, क्या हड़बड़ाहट और गड़बड़ाहट में भागेंगे
तो होगा कुछ नहीं, उससे नुकसान होगा और अननेसेसरी आपको समझ नहीं आएगा, क्या पता आप नुकसान कर बैठे। दोस्तों आज अमेरिका में कुछ तो डाटा आने वाला है, ठीक है, जो भी डाटा आने वाला है वो मुझे पता है, बट आपको भी उसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सा डाटा आने वाला है। विदाउट मैं बता दूंगा तो आपको सब कुछ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए आपको खुद भी प्रयत्न करना पड़ेगा। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डाटा आने वाला है कुछ अहम है, चाहे वो इंटरेस्ट रेट हाई हो या फिर कोई संविधान का लागू करना हो या फिर कोई नए रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर इंडियन कंपनियों के प्रति कुछ देने वाले हो वो स्कीम या फिर स्कीम को विड्रॉ करने वाले हो या फिर H1 या जो भी कोई सा वीजा होता है वो लेने वाले। बट होगा क्या अगर कुछ बड़ा इम्पैक्ट आएगा तो कल क्या होगा मार्केट में, वो समझना जरूरी है। मार्केट में कभी भी कोई बड़ा इम्पैक्ट या इवेंट आने वाले थे, चाहे वो इलेक्शन हो या कुछ भी हो, उस दिन आपको क्या करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्शन होगा उसके एक दिन पहले, मतलब इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेरेशन के पहले एक दिन आपको क्या करना है, रिजल्ट के उसके उस दिन आपको क्या करना है। दोस्तों देखेंगे, अगर हम बात करेंगे कि अभी हमने एक आपसे बात अभी मैं आपने देखा होगा कि हमने एक निफ्टी का एक पुट रखा है यहाँ पे, और हम बात करेंगे अभी निफ्टी का एक आपके सामने एक निफ्टी का कॉल भी रखते हैं, ठीक है। उस कॉल ये 200 का पुट है और हम यहाँ पे निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये पुट है और निफ्टी 250 आज का क्लोजिंग जो भाव है निफ्टी का वो हम देख लेते हैं। आज का क्लोजिंग भाव अगर हम फ्यूचर में जाके देखें, निफ्टी का फ्यूचर की क्लोजिंग भाव की बात करें, निफ्टी मैं एक मिनट सर्च कर लेता हूँ। निफ्टी मार्च का जो क्लोजिंग भाव है वो है 265 रुपये। तो अगर हम बात करें कि निफ्टी 265 रुपये क्लोजिंग नहीं वो हाई था, अगर हम क्लोजिंग भाव करें तो 180 है और निफ्टी का हमने 100 रुपये का लिया, देन इवन हम 250 निफ्टी का 10,250 रुपये का हम कॉल नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसमें ड्रैग कर लेते हैं कि निफ्टी 10,250 का मुझे कॉल चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देख लेते, ठीक है। अब हम यहाँ पर समझ लिए कि ये तो हमारा फ्यूचर हो गया, ये हमारा क्रूड को हम हटा देते हैं। अब हम सिर्फ जिस पर काम करेंगे वही काम करेंगे, 10,100 का जो पुट है देखिए 10,100 का पुट में यहाँ पे लगा देता हूँ। देन अब मैं वापस जाता हूँ और निफ्टी जो 10,250 का जो हमने कॉल देखा था अभी 10,250 का कॉल किधर गया, जो हमने यहाँ पर ऐड किया था, ठीक है। अब मैं इसको देख लेता हूँ, यहाँ पर मैं आपके लिए इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमने दो चीजें देखी, निफ्टी के 10,200 का कॉल ऑप्शन देखा 250 का और 10,200 का हमने एक पुट ऑप्शन देखा। ये दोनों रेट हैं और जो निफ्टी का जो आज का जो निफ्टी फ्यूचर की क्लोजिंग है वो 10,250 के आसपास है। अब हमने क्या करना था और क्या हमने नहीं किया, नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, देखिए क्लोजिंग भाव यानी अगर हम 15 मिनट्स कैंडल देखेंगे लास्ट के 15 मिनट्स की कैंडल ये बता रही है कि ये जो भाव है लगभग 52 रुपीज़ पर क्लोजिंग दिया। हम ये मान सकते हैं कि आपने इस भाव इस चीज़ को 49 रुपीज़ में कॉल जो पुट ऑप्शन है वो आपने 59 रुपीज़ में खरीद लिया है। देन अगर हम बात करें कि आपने जो 10,250 रुपये का जो पुट था कॉल था 10,250 रुपये का कॉल घेरा 10,250 रुपये का कॉल आपने 48 रुपीज़ के आसपास में क्लोजिंग में खरीद लिया, मतलब 70 पॉइंट का गेप इसलिए रखा। आप कुछ भी गेप रख सकते हैं, गेप 100 रुपये का भी हो सकता है, 50 रुपये का भी होता है, पर ज़्यादा बड़े गेप में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आता। अगर निफ्टी में अगर 70 पॉइंट यानी करीबन एक अगर हम बात करें कि 5 से 10% का मूवमेंट भी आ गया ना तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा देता। तो हमने क्या बोलेंगे कि हमने 48 रुपीज़ हम ये समझ लीजिए 49 हमने वहाँ दे दिए और 49 हमने वहाँ दे दिए इंटू हमने 75 रुपये के आसपास दे दिए, तो हमने 7,250 रुपये के लगभग का इन्वेस्टमेंट किया। दोस्तों ये जिस अगर मान लीजिए कोई बड़ी न्यूज आ गई और एकदम से ये जब मूवमेंट आएगा तो ये मूवमेंट या तो उसको निफ्टी को ऊपर की साइड लेके जाएगा या निफ्टी को नीचे की साइड लेके जाएगा। जब अगर ये निफ्टी को ऊपर की साइड लेके चला गया तो आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये निफ्टी 50 का ट्रेंड बनाया है कि मान लीजिए अगर ये वापस यहाँ पर आया 10,060 रुपये 10,060 या और उससे नीचे चला गया, मान लीजिए 10,100 के आसपास आ गया,
तो ये क्या भाव दे देगा, 10,060 तो यहाँ पर दिख रहा है, दैट मीन्स अब ये यहाँ पर, तो मतलब कल का क्लोजिंग क्या था वो आप देखेंगे। तो कल अगर हम देखेंगे 10,100 के आसपास इसका भाव 31 रुपये तक कॉल ऑप्शन का, तो अगर हम माने कि आपके 49 रुपीज़ की चीज़ 49 रुपीज़ की चीज़ आपकी 31 रुपये के लॉस के साथ 18 रुपये का 31 रुपये हो चुकी होगी और आपको 18 रुपये का लॉस हो रहा होगा। सेम इसी पैटर्न पर अगर हम बात करेंगे कि निफ्टी का जो पुट पुट ऑप्शन है वो कल की डेट में, सॉरी मैं इसको वन डे करता हूँ और यहाँ पर भी ये वन डे ही करना था, हाँ वन डे ही है, ठीक है। तो मान लीजिए 31 रुपये था, और अगर हम इसकी आज की बात करें 10,100 का, तो कल हम बात करेंगे कि ये अगर इसी तरह तो 120 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने कोई चीज़ 49 रुपीज़ में खरीदी, 49 रुपीज़ की चीज़ अगर 120 रुपये हो गई तो आपको 71 रुपये का प्रॉफिट होगा और आपको वहाँ पर 18 रुपये का लॉस हो रहा है, सॉरी 32 रुपये का, 49 में से आपके 31 रुपये चले गए, आपको 18 रुपये का लॉस हो रहा है। तो 71 में से अगर आपने 49 प्लस 49 लगाया, यानी 98 लगाया, तो एक साइड ही आपको 198 आ रहे, तो 23 रुपीज़ का प्रॉफिट है। और अगर आपके साइड 31 रुपये बच रहा है, यानी आपको टोटल 75 रुपये, यानी कम से कम आपने 7,250 रुपये लगाए, उसके सामने ही आपको 40 पॉइंट के लगभग आपको मिल गया। दोस्तों उसमें ये भी नहीं करना होता है कि आपको एकदम निकल जाना होता है, उसमें क्या होता है कि जिस तरीके जिस जितनी तेज़ी से गिरेगा, मान लीजिए कि अगर ये बहुत तेज़ी से गिर गया तो हो सकता है कि आपको ये चीज़ जो आपने 42 या 43 रुपीस में जो खरीदी वो आपको 100 रुपये 150 रुपये भी दे जाए और अगला वाला आपको जीरो हो जाए। तो जब आपको करना क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई 52 रुपीज़ की चीज़, मान लीजिए 150 हो गई, तो आप इसको पहले बुक कर लीजिए 98 रुपीज़ को, और आपको पता है कि 49 रुपीज़ की चीज़ ऑलमोस्ट 10 रुपये या 5 रुपये हो चुकी होगी, तो उसको शांति से रहने दीजिए। जिस साइड भी आपकी चीज़ प्रॉफिट होगी आप उसे निकल जाओ, और दूसरी साइड में जहाँ पर भी आपको 5 रुपये 10 रुपये 2 रुपये बच रहे उसको लेके रखिए। जैसे जैसे वापस मार्केट नीचे आएगा ये 5 रुपये की चीज़ आपको 10 रुपये 15 रुपये होती जाएगी, और अगर 5 या 10 रुपये भी हो जाए तो आप इसको बेच दीजिए। मतलब 49 रुपीज़ में अगर मैं 150 घटा दूँ तो 1,101 प्लस अगर मुझे वो 15 रुपये मेरे बचे हुए मिलते हैं तो भी 116। तो मैंने कितने रुपये लगाए थे वहाँ पर, मैंने 98 रुपीज़ के, सॉरी मतलब मैं अगर बात करूँ कि 59 में से 150 ये मेरा प्रॉफिट है 91 रुपीज़ प्लस 10 मेरे वहाँ पर, तो मेरे टोटल 110 रुपये के आसपास मुझे 91 प्लस 10 यानी 101 रुपये के आसपास मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और 101 इंटू अगर मैं 75 करूँ तो ऑलमोस्ट मुझे 7,000, मतलब मेरा पूंजी जो कैपिटल था वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने अच्छा खासा गेन कर लिया। और अगर मैं सिर्फ नॉर्मली अगर बात करूँ कि 49 प्लस 49 आपने लगाए और उसके सामने 151 आपका हो रहा है प्लस 53 प्लस 10 आपका जो रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा एक साइड में, उसको अगर आप 75 करो तो करीबन 4,000 रुपये का प्रॉफिट, यानी ऑलमोस्ट आपका कैपिटल 75% के आसपास हो चुका होगा। अगर मैं इसको डिवाइड करके देखूँ तो आप देखिए 65% यानी एक दिन में आपका कैपिटल डबल हो चुका होगा। ये पूंजी, ये जो चीज़ें हैं, ये इस टाइप के पैटर्न को आपको तब फॉलो करना होता है कि जब आपको नीचे भी एक पुट बाय करना होता है और ऊपर का भी एक कॉल बाय करना होता है, वो सब एक बड़े इवेंट के सामने होता है। जैसे कि हमने मोदी गवर्नमेंट का चुनाव आया तब देखा कि निफ्टी एकदम से टूटा, बैंक निफ्टी, और वो नीचे चला गया, देन अगेन वापस थोड़े से जैसे जैसे रिजल्ट ऊपर आते गए वैसे वैसे ऊपर चला गया। तो इसी तरीके से मार्केट में किसी भी साइड जब भी मूवमेंट आएगा, मतलब निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी 10,000 का है, तो अगर मान लीजिए कि अगर 1-2% भी मूवमेंट आया तो आपकी किसी भी साइड जो डिफरेंट साइड है उसकी पूंजी डबल से ट्रिपल होने के चांसेस होते हैं, और एक साइड जीरो हो जाती है लगभग, बट वो वापस जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी आपका पैसा जाएगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे सुना, आपका दिन शुभ हो।